नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिज़्ज़ा लवर में। और दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो हम जोड़े लेकर आए थे उसके अंदर एक जोड़े ने अंडा दे दिया है, पहला अंडा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम जोड़े लेकर आते हैं तो बहुत बहुत टाइम के अंदर उनके अंडे होते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप जोड़ा अच्छा लेकर आ रहे हैं तो उनके अंडे बच्चे जल्दी हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंड है ऊपर, अगर आप देखें तो पूरा धुंध हो रही है। और अभी मैंने कबूतर अभी भी खोले, थोड़ी साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि अभी जो है मैं ज़्यादा उस पर भी पानी नहीं डाला, तो दिन में संडे का टाइम अगर जब धूप होगी तो मैं उसमें पानी डाल कर इसको छत को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। तो हमारे एक भाई हैं जिनका कमेंट है ये, तो इन भाई के काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं और जो मुझे टॉपिक देते हैं काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, तो अच्छा लगता है। भाई जो है बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन भाई देखो ज्ञान मत दो, साथ भी दो, और आपके ज्ञान की भी ज़रूरत है, मुझे आपके साथ की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी मैं पहले इनको जो है ना पहले बाजार डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस उम्र के हमारे बच्चे हुए हैं और किस किस के अंडे में से बच्चा निकला है, ठीक है। ओके, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो वो करके। दोस्तों यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर एक अंडा हो गया है, ये देखिए ये एक उमर ने अंडा दिया है, और अभी क्या है कि इसके अंदर देखिए लकड़ी वगैरह डाल रखी है इसने, तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे ताकि जब उसको उठाए तो ठीक हो जाए। बाकी यहाँ पर देखें क्या हाल है, यहाँ पर एक अंडा फूट गया दोस्तों और एक अंडे में से बच्चा निकल चुका है, और इधर देखें तो इधर दोनों बच्चे निकल चुके हैं उमर के, ठीक है। तो नीरज भाई ये आपकी जो मादिन थी उसने दो अंडे दे दिए, बच्चे दे दिए हैं, और इस बार इस उमर का जो बच्चा है मैंने इसमें निकलवाया है, तो आप देख के बताइएगा कैसे हैं आगे, और एग्रेसिव है काफ़ी। ये देखते हैं ये नर है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, और ये अंडा हो गया है। बाकी ये दो उम्र के हैं, तो इसमें ये जो बच्चा है काफ़ी छोटा रह गया है, तो अभी क्या है कि हमारे पास दूसरे कोई अभी बच्चे नहीं, तो मैं उसके नीचे खिसका देता उसको, लेकिन ठीक है अभी चल जाएंगे, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में कबूतरों को भी पता होता है कि कितना दाना देना है, उस हिसाब से दाना देंगे, ठीक है। और इसमें ये जो अभी जिसके बच्चे दिखाए थे ना वाइट रंग की उम्र की, ये उसी के दोनों बच्चे हैं, इस वाली के बच्चे हैं ये दोनों, ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, और ये भी बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं, बड़े हैं, और ये देखिए ये बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें जो हमारी कल्पोटर और इसके अंदर अंडा होना है और इसके अंदर, तो ठीक है जिस तरीके से जैसे अंडे होंगे फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अब बढ़ते हैं भाई के कमेंट पे, तो भाई ने कमेंट करा कि भाई अच्छा कबूतर कोई नहीं देता, ये भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, सच कह रहे हैं आप कि अच्छा कबूतर जल्दी कोई नहीं देता है, क्योंकि उसका कारण क्या होता है कि भाई अगर मुझे शौक करना है, ठीक है, अगर मैं शौक करना चाहता हूँ तो मैं अच्छी चीज़ क्यों दूंगा किसी को, हाँ उसके बच्चे दे दूंगा लेकिन अच्छी चीज़ नहीं दूंगा। लेकिन अगर मेरी कोई मजबूरी आ गई कि भाई मुझे कबूतर हटाने या जोड़ेबाजी ही ख़त्म करनी है, तब तो मैं बेचूंगा ना, तो मैं जब लेकर आया ना कबूतर तो उनको अब जोड़ेबाजी ख़त्म करनी है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे कबूतर हैं, और उन कबूतरों में से अब ये सोचो कि जिन पे 80-90 उमर हैं और उसमें जो रेस जीत कर आएंगे तो उनके बच्चों को जोड़े लगाएंगे या जो उनके पुराने हैं उनको लगाएंगे, फिर पुरानों की भी एक उम्र होती है भाई कब तक लगाएंगे। लेकिन जोड़ेबाजी में दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है जोड़ेबाजी, जोड़ेबाजी में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जो जोड़े हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहे, बच्चे हेल्दी रहे, उनका जो फूड है वो काफ़ी ध्यान से रखना पड़ता है। अब जैसे सर्दियाँ आ रही है ना, तो अब हमें कम से कम दाने के अंदर 80% तक तो हमारे को बाजरा ही रखना पड़ेगा, और 20% बाकी जो मिक्स चीज़ होती है वो डाली जाती है, ठीक है, इस तरीके से रखा जाता है। और अब जैसे बच्चे बच्चे हैं जो सारे हेल्दी हेल्दी हो रहे थे, अब इसमें हमें देखना है कि देखो जैसे इस मादे ने अंडा दे दिया,
ठीक है, तो इसके अंडे में नहीं रखने, इसके अंडे हटा देंगे क्योंकि अभी इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर अंडे इसने सेकने लगेगी तो फिर बच्चों पे ध्यान नहीं देगी, और अभी हमें बच्चों को बचाना जरूरी है, अंडों को नहीं। ठीक है, तो इसका अंडा भी फेंक दूंगा मैं निकाल कर। और ये होता ही है दोस्तों कि बच्चे जैसे थोड़े से छोटे रह जाते तो बच्चे ये मादी फिर से अंडा देती है, तो इसका देखिए सिस्टम, अभी बच्चे ज़्यादा बड़े हुए नहीं है तो अभी मैं इसका अंडा इसके नीचे सिखाऊंगा नहीं। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम रखेंगे क्या कहते हैं जो प्लास्टिक वाले अंडे ना वो रख देंगे ताकि अंडा सेकते रहे लेकिन अंडों में से बच्चे ना निकले। ठीक है ना, हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए इनके, हमें उम्र के अंडे खिसकाने तो उम्र के ही रखे जाएंगे। बाकी इसके अंदर भी देखिए दो, एक अंडा दे दिया है, काफ़ी हैवी अंडा है ये, इन बच्चे की माँ ने यानी कि जो नीले है माई गॉड, ये देखिए कितना बड़ा अंडा है। तो ये अंडा अभी रख देंगे लेकिन एक हमें इसके बच्चे अभी नहीं चाहिए क्योंकि हम चाहते जो हमारे पास अभी करंट के बच्चे हैं पहले ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए उसके बाद मैं इसमें दूसरे बच्चे रखूंगा। ये होता क्या है कि बच्चे छोटे छोटे अंडा रख दिया तो ये होता क्यों है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी दोस्तों अपनी ही होती है कि हम जो है दाना उनको ठीक से जो है अगर नहीं दे रहे आप, हैवी दाना नहीं दे रहे, हेल्थी दाना नहीं दे रहे तो बच्चे छोटे छोटे रहेंगे और उनकी भराई सही नहीं हो पाएगी और जो नर मादी जोड़ा है वो अंडा रख देगा। तो हमें अब क्या करना है, हमें यही करना है कि भैया सारा हेल्दी दो ताकि खाना पीना फर्स्ट क्लास खाते रहे और बच्चों को जल्दी से जल्दी हो सके भर दे। ये नर जो है इस मादी को भी अंडे रखवाने के लिए फोर्स कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अंडे रख दे, और इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं ज़रा थोड़ी सी यहाँ की बीट के साफ़ सफाई कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो पहले मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ उसके बाद फिर दोस्तों। यहाँ पर मैंने दाना डाल दिया है और ये देखिए कि किस तरीके से बच्चे भी जो है दाने को खा रहे हैं और इसी तरीके से ये दाना खाना सीखते हैं। ठीक है, तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरीके से दाना खा रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसके नीचे दोबारा से बच्चे देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से क्या करता हूँ कि जितने भी बच्चे अब मेरे बड़े हो चुके हैं उनके ऐसे दाना डाल दो ताकि माँ बाप जब खाएंगे ना तो उनको खाता दे कि बच्चे भी खाना सीख जाते हैं दाना। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, आपको भी इसी तरीके से सेट करना पड़ेगा बच्चों को। अब डर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दाना मैं सब में डाल देता हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो दाना पानी खाना सीख सकें। है क्या कि वीडियो के अंदर रात के टाइम तो पॉसिबल नहीं है मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, लेकिन कोशिश ये रहती कि इस वीडियो में छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना मैं उसको डिस्कस करूँ। अब जैसे ये हमारा जो नीला है ये भी अब अंडे रखवाने के लिए कर रहा है, लेकिन जो पहला अंडा वो रखा हमारे उस उमर ने जो हम अभी लेकर आए हैं, और बाकी उमर भी अब देखेंगे जितनी जल्दी अंडा रखते हैं फिर मैं उसके ऊपर वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। और रात के टाइम में अभी दोस्तों सर्दी का टाइम आ चुका है तो आपको बस यही करना है कि जितना हो सके 80% के करीब आपको बाजरा देना है और 20% आपको मिक्स दाल जो भी देते हैं वो दे दीजिए। ठीक है, और रोटी वगैरह जो है मोटी रोटी घी वाली वो ज़रूर दें जोड़े वालों को भी और आप उड़ने वालों को भी ताकि सेहत उनकी बनी रहे। ठीक है ना, हालांकि मौसम को सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन आप भैया रिस्क मत लो और अपने कबूतरों का ध्यान रखो, ढकना वकना स्टार्ट कर देना। और अभी हम देखेंगे बच्चों की क्या हालत है, और वो जो जोड़ा था वो तो मैंने हटा दिया, उसका जो है दूसरे जो जोड़ा लगाएंगे जो सबज चाने हैं उसके बच्चे इतने अच्छे नहीं निकले। ठीक है ना, लेकिन उनके बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं जो मैंने लगाए थे जोड़े जो मेरा कासनी था और वो जो दूसरे थे तो सेम क्रॉस ब्रीड का कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे जो रिजल्ट लेने हैं तो आपको मिक्स करने पड़ेंगे। अब इसमें हमारे जो ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं ये 3 महीने के हो गए हैं, यानी अगर आप ये 2 महीने पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको ये बच्चा और एक इसमें बच्चा और है कहाँ गया, एक तो ये है बाबू बैठा हुआ है और एक ये नीचे बैठा हुआ है, ये दोनों 3 महीने के बच्चे हो चुके हैं। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर कितने कितने थे, अभी कितने बड़े बड़े हो गए। बाकी अभी इनको दाना पानी खा लेने देता हूँ उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू। देख पा रहे हो ये जो धुआं है कितनी तेज़ी से आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से जो है ना धुआं पूरा तेज़ी से नीचे नीचे आ रहा है और ऊपर इस टाइम छत पे इतनी ठंड है ना हद से ज़्यादा, लेकिन भैया
वीडियो भी बनानी है, कबूतर का ध्यान भी देना है और आपको इन्फॉर्मेशन भी देना, तो भाई प्लीज़ यार लाइक वाइक कर दिया करो और कमेंट करते करते रहा करो। आप देखो कितनी ठंड में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अब दाना पानी लगभग खा चुके हैं और अब जो है हमारे जो पट्टे थे, जैसे ये हमारे काले चांदने का जो बच्चा था निकला था, और ये देखिए कितना मतलब फुर्तीला है, ज़रा सा बच्चा है अभी लेकिन चटक पटक बहुत है इसके अंदर। और ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, जो जोड़े वाले होते हैं ना, ऐसे ही जोड़े के बच्चे सही लगते हैं जो फर्स्ट क्लास के हों। ठीक है, कितना चुलबुला था। और ये देखिए ये भी हमारे काले चांदों के बच्चे हैं, ये भी बहुत अच्छे निकले हुए हैं। ये भी अब देखते हैं इनका क्या रिजल्ट रहेगा, अब तो ये उड़ने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चों का रिजल्ट कैसा है। दोस्तों ठंड बढ़ती जा रही है और मुझे भी ठंड लग रही है, तो मैं अब इनको अंदर कर देता हूँ। और मैंने जो है पानी वो गर्म भर दिया था, थोड़ा सा इनको राहत भी मिल जाएगी और अब मुझे भी ठंड लग रही है। तो आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ, कल को वीडियो में देखते हैं और क्या बेहतर हो सकता है। प्लीज़ कमेंट करना, कोई टॉपिक हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए, नमस्कार।